Hello everyone, myself Yagnesh Patel, founder of Just Money Care. Thank you for the wonderful response and the way you follow me on a various way. I am very thankful to all of you. मेरे बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि I am into this field more than half decade and I am into trading since last so many years. I have been in working in a leading broking firm, in leading advisory desk to technical head. काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने मेरे करियर में देखा है कि ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में काफ़ी डिफरेंट चीज़ें रहती है. बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस काफ़ी ट्रायल एंड एरर मेथड से काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट करके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में एक सक्सेसफुल वे में आज हम एक अच्छे से कर पा रहे हैं. और जस्ट मनी केयर एक जो बर्थ हुआ है, जो जन्म हुआ है, वो एक वे आप सबको उस हिसाब से जो मेरी एक्सपर्टाइज है, जो मेरा कोर डोमेन एरिया में जो नॉलेज है, उसको यूज़ करके मैक्सिमम क्लाइंट्स को बेनिफिट किया जाए. दैट इज़ ऑल व्हाट अबाउट मी. आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑप्शन ट्रेडिंग. ऑप्शन ट्रेडिंग इज द वे के इन वर्किंग इन अ डेरिवेटिव मार्केट्स. काफ़ी लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा. ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि इट इज़ द वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड सिंपल वे टू अर्न रेगुलर इनकम्स एंड गुड मनी इन टू स्टॉक मार्केट विद लो अमाउंट ऑफ कैपिटल. ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में एक और चीज़ें काफ़ी डिटेल में जानना चाहेंगे तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा एक छोटे से वीडियो के अंदर. दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन अबाउट द ऑप्शन ट्रेडिंग एंड ऑप्शन मार्केट. ऑप्शन मार्केट के अंदर काफ़ी टर्मिनोलॉजीज है, वेरियस टर्मिनोलॉजीज है, जिसके बारे में बताना चाहूँगा. जैसे कि स्ट्राइक प्राइस, कॉल, पुट, दैट इज़ वन टर्मिनोलॉजी. जैसे कि कॉल और पुट, हम जैसे मार्केट में कुछ हमको लगता है आपका व्यू बुलिश है तो हम कॉल बाय करते हैं तो हमको एक बेनिफिट हो सकता है. और आपका व्यू अगर बियरिश है कि मार्केट विल गो डाउन वेरी शार्पली और यहाँ से मार्केट फॉल हो सकता है, तो यू कैन बाय पुट एंड यू कैन मेक मनी. दैट इज़ ऑल वी नो. एंड किसी को नहीं पता होगा तो उसके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी. स्ट्राइक प्राइस होता है, जैसे कि काफ़ी चीज़ों में अंडरलाइंग एसेट के ऊपर स्ट्राइक प्राइस होता है. तो देर आर टर्मिनोलॉजी, अदर टर्मिनोलॉजी आर वोलाटिलिटी एंड ओपन इंटरेस्ट. दिस इज समथिंग न्यू फॉर सम ट्रेडर्स एंड मैनी ट्रेडर्स विल नो अबाउट वोलाटिलिटी. बाजार के अंदर जो अप्स एंड डाउन्स रहती है, जो कभी कभी काफ़ी स्पीड में होती है, कभी कभी बहुत ही कम होती है, तो वो एक वॉलाटिलिटी होती है ऑप्शन के अंदर. ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर उसका काफ़ी महत्व है, काफ़ी इम्पोर्टेंस है. ओपन इंटरेस्ट होता है जिसके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट हो रहा है, कहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट हो रही है, कहाँ पे लॉन्ग अनवाइंड हो रहा है, कहाँ पे शॉर्ट कवर्स हो रहे हैं. सो ओपन इंटरेस्ट और प्राइस के कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वेरियस वे में प्राइस क्या फॉलो कर रहा है और क्या पोजिशन मार्केट में बिल्ट हो रही है. देर आर ऑल्सो अदर टर्मिनोलॉजी, टाइम वैल्यू एंड ग्रिक्स. ऑप्शन इज अ लिमिटेड मार्केट कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे हर मंथ हर वीकली भी एक्सपायरी हो सकती है. तो इट्स अ लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे हम कैश में इक्विटी डिलीवरीज में जो काम करता है विल नॉट वर्क हियर. जैसे कि हमने कुछ इक्विटी मार्केट में बाई किया है ना, यू होल्ड ऑन फॉर द सम टाइम और मे बी सिक्स मंथ, वन ईयर, लॉन्ग टर्म पीरियड एंड यू विल गेट मनी, गुड रिटर्न्स एंड ऑल्सो गुड रिटर्न्स. ऑप्शंस में ये फंडा काम नहीं आएगा आपको, क्योंकि हर मंथ में ऑप्शन एक एक्सपायर होता है. तो ऑप्शन मार्केट के अंदर टाइम वैल्यू का काफ़ी महत्व इंपॉर्टेंस रहता है. अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो स्लोली जब एक्सपायरी नज़दीक आती है तो टाइम वैल्यू उसमें से जीरो, नियर टू जीरो होने का खूब चांसेस रहते हैं. तो कब आप ऑप्शन बाय करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका व्यू है निफ्टी के अंदर कि निफ्टी विल गो 10,200 इन कमिंग डेज, और आपने उस हिसाब से कॉल ऑप्शन बाय किए हुए हैं, आपका व्यू था बुलिश और मार्केट दो महीने तक कहीं पे भी मूव नहीं किया ना, वो 10,200 तक गए, और समझ लीजिए कि दिसंबर और छः महीने बाद, सात महीने बाद वो वहाँ पे 10,200 के ऊपर टच करता है. तो आपने जब डिसाइड किया था, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया था, वो था एक सितंबर में आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, निफ्टी पहुँचती है फरवरी में 10,200 पे, तो इट विल नॉट गिव यू मनी. सो दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन ऑप्शन ट्रेडिंग. सो मैनी पीपल आर फेसिंग डिफिकल्टीज लाइक दिस, फेसिंग डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द ग्रीक्स, द ओपन इंटरेस्ट, प्राइस, टाइम वैल्यू, स्ट्राइक प्राइस, कब कॉल बाय करना है, कब कॉल को सेल करना है, कब पुट बाय करना है, कब पुट को सेल करना है. सो काफ़ी अच्छे ट्रेडर्स हैं जो जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा हेडेक रहा है हमेशा के लिए.
और काफी लोग हैं जिनके लिए सब कुछ नया ही है, तो उनके लिए काफी दिक्कत हो सकती है क्योंकि बिल्कुल ग्रीक समझ में नहीं आता, विदाउट ग्रीक्स आर वेरी डिफिकल्ट, वोलाटिलिटी आपके आप मेजर नहीं कर पाते, समझ में नहीं आता तो भी एक डिफरेंट डिफिकल्टी आपके लिए खड़ी हो सकती है। सो देर आर ये रीजंस है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर काफी लोग प्रॉफिटेबल वे में और प्रोफेशनल वे में ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं कर पाते और अच्छा एक रिजल्ट नहीं ले पाते हैं। निराश मत होइए, इसके बारे में और कुछ बताना चाहूँगा, वेरी देर आर सो मेनी एडवांटेजेस इन ऑप्शन ट्रेडिंग। सबसे पहला लो कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा, रेगुलर इनकम्स रहेगी सेकंड वन, थर्ड वन इज लिमिटेड रिस्क, और चौथा रहेगा कि देर आर वेरियस ऑप्शन स्ट्रेटेजीज इन द मार्केट। मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज में, कहीं पर भी मूव नहीं कर रहा, तो देर आर सर्टेन स्ट्रेटेजीज के मार्केट अगर अप ट्रेंड है तो ये कर सकते हो, डाउन ट्रेंड है तो ये आप ऑप्शन स्ट्रेटेजी यूज करते हो, और मार्केट साइडवेज में है तो ये ऑप्शन स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। सो वी विल गेट रेगुलर इनकम फ्रॉम द ऑप्शन ट्रेडिंग। दूसरा रहेगा कि आप अगर लॉन्ग ऑप्शन में रहोगे तो आपके पास एकदम लिमिटेड रिस्क है, आप काम कर सकते हो और जिसमें हाई रिस्क नहीं रहेगा और अनलिमिटेड प्रॉफिट रहेगा, और रेगुलर इनकम फ्लो आपका रह सकता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो ये सारे एडवांटेज है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए इंस्पायर होने के लिए, और जो टर्मिनोलॉजीज बताई है अगर आप उसका यूज़ नहीं कर पाते मगर आप एडवांटेज पर फोकस करके उसको सीखना भी चाह सकते हैं और आप उसको डेवलप कर सकते हैं बाय योर ओन स्टडी। नाउ मैं आपको बताना चाहूँगा, वी आर कमिंग विथ ऑप्शन बोनांजा। दिस इज़ अ वेरी यूनिक एंड अल्टीमेट प्रोग्राम जहाँ पे ऑप्शन बोनांजा में हम काफ़ी अलग वे में काम करते हैं, जैसे कि जो टर्मिनोलॉजीज बताई उसमें से काफ़ी टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं, बियॉन्ड दैट हम कुछ और भी काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं, बेस्ड ऑन दैट वी आर वेरी सक्सेसफुल इन ऑप्शन ट्रेडिंग। वन ऑफ द थिंग वी आर यूजिंग ईस्ट एंड वेस्ट कन्फर्मेशन, जिसमें क्या रहेगा कि ईस्ट में रहेगा कि ईस्टर्न में क्या रहता है कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो प्योरली प्राइस मोमेंटम को और प्राइस को मेजर करते हैं, बिकॉज इन स्टॉक मार्केट प्राइस इज एवरीथिंग, प्राइस इज गॉड, तो प्राइस को कैसे मेजर करना है तो कैंडलस्टिक यूज करते हैं, और वेस्टर्न पैटर्न जैसे कि प्राइस पैटर्न है, ट्रेंड लाइन है और अदर इंडिकेटर्स है, तो टेक्निकल एनालिसिस का हम यूज करते हैं, कम्बिनेशन ऑफ दिस टू एंड अदर टर्मिनोलॉजीज ऑफ ऑप्शन हम ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी एक अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। मैं आपको ऑप्शन बोनांजा के अंडर में एक आपको ऑफर करना चाहूँगा कि इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी और आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी मुझसे डिस्कस करना चाहते हो पर्सनली, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन contact@justmoneycare.com या फिर आप मेरी वेबसाइट www.justmoneycare.com पे जाके, या फिर इस ईमेल आईडी पे आप मेरे को ईमेल करिए, कॉन्टैक्ट करिए, और जो भी आप जो एरिया में आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हो यू कैन डिस्कस विथ मी ओपनली, एंड दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग, आप जो डिस्कस कर आपका जो प्रॉब्लम मेरे सामने डिस्कस करना चाहेंगे दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो डू द ऑप्शन ट्रेडिंग, इट इज़ वेरी प्रॉफिटेबल एंड विल गिव यू गुड रिटर्न्स इन स्टॉक मार्केट। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच।